है जापर पंचायत चुनाव में भारी गड़बड़ी को लेकर जिले के फरसाबहार ब्लॉक के ग्राम पंचायत घुमरा में सैकड़ों ग्रामीण आंदोलन पर आए हैं। ग्रामीणों ने चुनाव आयोग के विरुद्ध जमकर आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की और इस दौरान ग्रामीणों ने पंचायत भवन में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने पंचायत सरपंच का दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि आखिरी चरण के मतदान के वक्त सभी 5 प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह ही बदल दिया गया। सरपंच प्रत्याशियों को 12 वोट मिले थे, तभी ग्रामीणों और प्रत्याशियों के विरोध करने पर दोबारा चुनाव कराने की बात कहकर सरपंच का मतदान रोक दिया गया। लेकिन यहां दोबारा मतदान नहीं कराकर सरपंच पद के लिए कुल पड़े मात्र 12 वोट को आधार बनाकर 2 प्रत्याशियों को बीच चिट निकालकर रिटर्निंग ऑफिसर ने एक प्रत्याशी नरहरी देहरी को सरपंच का प्रमाण पत्र दे दिया। तो पुनः चुनाव किया जाए, क्या हम 1317 वोटिंग में मात्र 12 वोट में ही निर्णय दे दिया जाएगा? क्या प्रशासन का यही नियम है कि चुनाव आयोग चुनाव क्यों कराता है? सिर्फ वोटिंग के लिए ना कराता है कि चिटपट करने के लिए कराता है? हम नहीं चाहते हैं कि चिटपट के द्वारा किसी प्रत्याशी को विजय घोषित किया जाए। हम यही चाह रहे हैं पूरा ग्रामवासी की और एक दोबारा चुनाव हो। अगर दोबारा चुनाव नहीं होगा जब तक यहाँ कोई सरपंच रहेगा ना कोई सचिव रहेगा। प्रचार प्रसार के लिए दूसरा दिया गया और बैलेट पेपर में दूसरा दिया गया है, उसी के हिसाब से हमारे यहाँ दोबारा चुनाव होना ही चाहिए। ये नहीं करते हैं तो हम पूरा पंचायत रूम को ताला मार देंगे और कोई सचिव और सरपंच यहाँ बैठने नहीं देंगे। राजिम माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया।